यंत्र लगाने ते पाबंदी डिप्टी कमिश्नर रूपनगर। जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर डॉक्टर प्रीति यादव ने दस्या कि जिला रूपनगर के हदूद अंदर कोई भी व्यक्ति सवेरे 6 बजे तो रात 10 बजे तक समर्थ अधिकारी संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट की प्रवानगी तो बिना लाउडस्पीकर आवाजी यंत्र ना लगाने के हुक्म जारी किए गए हैं। इस तरह ही रात 10 बजे तो सवेरे 6 बजे तक लाउडस्पीकर ज आवाजी यंत्र से पूर्ण पाबंदी लगाने की हदायत जारी की गई। ये हुक्म 24 फरवरी तो 23 अप्रैल 2023 तक लागू रहेंगे। साइकिल, रिक्शा, रेहड़ी, ट्रैक्टर, ट्राली आदि ते रिफ्लेक्टर या चमकदार टेप लगाई जाए। डिप्टी कमिश्नर रूपनगर। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट वालों सिविल रिट पटीशन नंबर 6842 ऑफ 2000 विच भी अगवाई लिहा दित्तियां गई हैं कि साइकिल, रिक्शा, रेहड़ी, ट्रैक्टर, ट्राली आदि वहीकल के पिछे रिफ्लैक्टर लाए जा। जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर डॉक्टर प्रीति यादव जाबता फौजीदार संगता 1973 की तहारा 144 के अधीन मिले अधिकारों की वरतों करते हुए हुक्म जारी किए हैं कि जिला रूपनगर में कोई व्यक्ति साइकिल, रिक्शा, रेहड़ी, ट्रैक्टर, ट्राली और होर गड्डियां के अगे पिछे लाल रंग के रिफ्लैक्टर या चमकदार टेप फिट करवाए बिना नहीं चलाए। मिलट्री वर्दी ते मिलट्री रंग दियां जीपां, मोटरसाइकलां, मोटर गड्डियां दी वरतों अते करन ते पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर रूपनगर। जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर डॉक्टर प्रीति यादव ने दस्या कि कोई भी व्यक्ति जिला रूपनगर दे अंदर मिलट्री वर्दी अते लाइव हर रंग मिलट्री रंग दियां जीपां, मोटरसाइकल, मोटर गड्डियां दी वरतों नहीं करेगा। उन्होंने दस्या कि किसी भी समागमी तत्तां वालों मिलट्री वर्दी अते उलाइव हरे रंग मिलट्री रंग अजिहे रंग की वरतों करके हिंसक घटना नूं अंजाम दिता जा सकता है, जिस करके आम जनता नूं इन्हां रंगां की वरतों ना करन ते हुक्म जारी किए गए। उन्होंने कहा कि यह हुक्म मिलट्री अधिकारियों ते लागू नहीं होवेगा। नैशनल मिशन ऑन आयल सीड स्कीम अधीन पिंड मकौड़ी कलां विखे किसान सिखलाई कैंप लगाया। मुख खेतीबाड़ी अफसर डॉक्टर गुरमेल सिंह की अगवाई तहत खेतीबाड़ी और किसान भलाई विभाग रूपनगर वालों नैशनल मिशन ऑन आयल सीड स्कीम अधीन पिंड मकौड़ी कलां विखे अज किसान सिखलाई कैंप लगाया गया। इस कैंप की प्रधानगी जिला सिखलाई अफसर डॉक्टर अमरीक सिंह वालों की गई। इस मौके संबोधन करदिआं जिला सिखलाई अफसर डॉक्टर अमरीक सिंह ने किसानों नूं फसली विभिन्नता अपनाउण लई भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि धरती हेठले पानी का पद्धर बहुत तेजी नाल थले डिगदा जा रहा है, जिस नूं रोकण लई फौरी तौर पर फसली विभिन्नता नूं अमल में लियाउण समय की लोड़ है अते तलबीज फसलों में अहम भूमिका निभा सकदियां हन। इस नाल तेल बीज फसलों हेठ 4000 हैक्टेयर रकबा बीजा जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 20 हैक्टेयर तो भी वध है। इस कैंप में रूपनगर ब्लाक विच काम कर रहे FPO नूं शामिल करवाया गया तां जो किसानां नूं FPO नाल जोड़िया जा सके अते उन्हां नूं बदलवीआं फसलां दे पैदावार वेचण विच कोई दिक्कत पेश ना आवे। नूरपुर बद्दी तों बूंगा साहिब रोड विखे आउण जाण वाले भारी वाहनां दी आवाजाई उत्ते पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर रूपनगर। जिला मजिस्ट्रेट वालों हदायत जारी की गई हैं कि नूरपुर बेदी तो बूंगा साहिब रोड विखे आने जाने वाली भारी वाहनों की आवाजाही उत्ते पाबंदी लगाई गई। इस बारे जानकारी दिंदिआं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर प्रीति यादव ने दस्या कि नूरपुर बेदी तो बूंगा साहिब रोड तो आने जाने वाले ओवरलोड टिप्पर से भारी वाहनों की पाबंदी लगाने तो बाद इस रोड से कोई एक्सीडेंट नहीं होया, जिस लई इस पाबंदी नूं बरकरार रखा गया है। उन्होंने दस्या कि इस सड़क उत्ते बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक चलन कारण इस सड़क टुटण का खतरा बनिया रहिंदा है अते इत्थे दुर्घटना भी वापरदियां रहिंदियां सन, जिस कारण इस इलाके दे लोकां वालों इस सड़क उत्ते हैवी ट्रैफिक नूं चलाउण ते रोकण लई वार वार मंग कीती गई सी। उन्होंने अगे दस्या कि इस तों इलावा यह सड़क इतिहासिक शहर श्री आनंदपुर साहब और श्री कीरतपुर साहब नूं जोड़दी होण कारण इस ते भारी आवाजाही रहिंदी है। इन्हां सारे तत्थां नूं ध्यान विच रखते हुए नूरपुर बद्दी तों बूंगा साहब आउण जाण वाले हैवी ओवरलोड टिप्परां भारी वाहनां ते चलण ते पूर्ण तौर ते पाबंदी लगा दित्ती गई है।
ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਡਾ ਨੇ ਰੋਪੜ ਹਲਕਾ 'ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਨਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਡਾ ਨੇ ਹਲਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ 22 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪੇੜੇ ਚਾੜਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਡਾ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਡਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।